वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी आर विद यू विद अनदर टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस वन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट गोल गुंबज ऑफ बीजापुर, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका नेम गोल गुंबज ऑफ बीजापुर। मीडियम इज डार्क ग्रे बसाल्ट एंड डेकोरेटेड प्लास्टर वर्क। पीरियड इज 1627 टू 1657 एडी। बिल्ट इन 1659। द डायनेस्टी इज आदिल शाह डायनेस्टी। साइज 185 स्क्वायर मीटर, दैट इज 600 स्क्वायर फीट फ्रॉम द बेस। कॉर्टेजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस आर्किटेक्चर ऑफ इस्लामिक आर्ट। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग इज द गोल गुंबज मॉज़ोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह टू 1627 टू 1657 इज द लार्जेस्ट डॉम क्यूबिकल इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन बीजापुर। ये पूरे वर्ल्ड में जो क्यूबिकल डॉम है उसमें से लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और बीजापुर में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये। इट वॉज बिल्ट इन 1659 एडी एट द आर्किटेक्चरल जेनिथ ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी, प्रोबेबली बाय अ मास्टर बिल्डर याकूत ऑफ डेबुल। और ये 1659 में बनाई गई थी। द मास्टर पीस ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर एंड स्प्लेंडर इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक मास्टर पीस है। द मॉज़ोलियम इज एक्चुअली अ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स विद अ गेटवे, अ नक्कड़खाना, ऑर्केस्ट्रा स्पेस, अ मॉस्क्यू एंड अ सराय लोकेटेड विद इन अ लार्ज वॉल्ड गार्डन। और इसमें जो नक्कड़खाना, ऑर्केस्ट्रा स्पेस बना हुआ है, साथ में एक मॉस्क्यू बनी हुई है और साथ में एक सराय भी बनी हुई है। द टॉम्ब रिसेंबल्स अ जायंट क्यूब क्राउंड बाय अ लार्ज हेमिस्फेरिकल डॉम रेस्टिंग ऑन अ सर्कुलर ड्रम। जो टॉम्ब है वो क्यूब है एक, जो कि हेमिस्फेरिकल डॉम के द्वारा क्राउन किया गया है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डॉम बना हुआ है। द रॉ ऑफ पेटल्स एट द बेस ऑफ द डॉम एंड वंडरफुल फॉलिएज डिजाइन ऑन द ड्रम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और ये दोनों चीज़ें, डॉम है जो, और जो ड्रम है नीचे, डॉम के नीचे एक जो ड्रम बना हुआ है, वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ब्यूटी देते हैं। दिस डॉम विद द डायमीटर ऑफ 125 फीट कवर्स अ टोटल इंटीरियर सरफेस ऑफ ओवर 18,337 स्क्वायर फीट। और ये जो डॉम है इसका डायमीटर 125 फीट है और इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो 18,337 स्क्वायर फीट बनता है। द हेमिस्फेरिकल डॉम ओवर अ स्क्वायर बेस वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ पेंडेंटिव्स। और ये साथ में पेंडेंटिव्स की हेल्प से बनाया गया है, जो कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर के ऊपर एक डॉम बनाया गया है। दीज पेंडेंटिव्स नॉट ओनली गेव अ स्टेबल शेप टू द डॉम बट ऑल्सो इवनली ट्रांसफर्ड इट्स वेट टू द वॉल्स बिलो। और जो पेंडेंटिव्स हैं वो इसका जो टोटली वेट है वो वॉल्स के ऊपर देती हैं। इट हैज 7 स्टोरी ऑक्टागोनल टावर्स एट ईच ऑफ इट्स 4 कॉर्नर्स कैप्ड बाय स्मॉलर डॉम्स। और इसके चारों कॉर्नर्स पे जो
ऑक्टागोनल टावर्स बनाए गए हैं। ऑक्टागोनल मीन्स जिसकी 8 साइड्स हों, एक टावर बनाए गए हैं जिनकी 8 साइड्स हैं और उनको कैप किया गया है एक स्मॉलर डॉम्स के द्वारा। दीज टावर्स हैव 7 स्मॉल आर्क्ड विंडोज ऑन एवरी स्टोरी। वाइंडिंग स्टेयरकेस कनेक्ट दीज टावर्स टू द मेन बिल्डिंग एंड फर्दर अप टिल द टॉप ऑफ द डॉम। और जो वाइंडिंग स्टेयरकेस है इसका, वो इन टावर्स को मेन बिल्डिंग से अटैच करता है और टॉप ऑफ द डॉम तक जाता है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस बिल्डिंग इज द विस्परिंग गैलरी 3.4 मीटर वाइड रेस्टिंग ऑन इट्स इंटीरियर एट द लेवल ऑफ द ड्रम डॉम्स बेस। और जो इसकी मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर है वो है विस्परिंग गैलरी, जो कि 3.4 मीटर की है। इट हैड द फाइनेस्ट इको वेयर अ विस्पर क्लैप और साउंड गेट्स इकोड अराउंड 7 टाइम्स। और यहाँ पे इसकी जो स्पेशलिटी है, इसमें इको बहुत ही फाइन प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्लैप और साउंड की इको हो तो वो 7 टाइम्स इको प्रोड्यूस होती है वहाँ। अ सर्कुलर बालकोनी बॉर्डर्स एट द डॉम दैट ओवरलुक्स दिस विस्परिंग गैलरी। द एक्सटीरियर हैज अ हैवीली ब्रैकेटेड फ्रेम रेस्टिंग ऑन द एक्सटेंशन ऑन ऑल 4 साइड्स एडिंग टू दिस ओवरऑल अपील। इंटीरियर कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स बिट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ स्क्वेयर ग्रेव चैम्बर अंडरग्राउंड एंड अ लार्ज मैसिव सिंगल स्क्वेयर चैम्बर अबव ग्राउंड। और इसमें 2 चैम्बर बने हुए हैं, एक अंडरग्राउंड बना हुआ है स्क्वेयर ग्रेव चैम्बर और एक स्क्वेयर चैम्बर अबव द ग्राउंड बना हुआ है। द टॉम चैम्बर कंटेन्स द ब्यूरियल प्लेस ऑफ द सुल्तान हिज वाइव्स एंड अदर रिलेटिव्स वाइल देयर रियल ग्रेव्स लाई परपेंडिकुलरली बिलो इन अ वॉल्ट रीच्ड बाय स्टेयर्स। और इस टॉम चैम्बर में जो सुल्तान की ब्यूरियल प्लेस, उनकी दफनाने की प्लेस वहाँ पे बनी हुई है, सुल्तान, उसकी पत्नियाँ और उसके रिलेटिव्स, जबकि उनकी जो रियल ग्रेव्स हैं वो स्टेयर से नीचे जाके वहाँ पे परपेंडिकुलरली वहाँ पे बनी हुई हैं। मैनी स्टाइल्स फ्रॉम तिमुरिड टू पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड द आर्किटेक्चर ऑफ गोल गुंबद ऑफ बीजापुर इन कर्नाटका। जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वहाँ पे आर्किटेक्चर का, वो साफ दिखाई देता है। बीजापुर इज द प्राइम लोकेशन टू लुक फॉर द ग्रेटेस्ट डेक्कन आर्किटेक्चर वेयर द एंथुजियाज्म मैग्निफिकेंस ग्रेटनेस एंड ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ब्लेंडेड विद द लोकल मटीरियल एंड लोकल स्टाइल्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन। बीजापुर है जो, बीजापुर एक प्राइम लोकेशन है, किसी भी डेक्कन आर्किटेक्चर को विजिट करना हो तो बीजापुर एक प्राइम लोकेशन है जहाँ पे हम इस्लामिक आर्किटेक्चर की ब्यूटी, ग्रेटनेस और मैग्निफिकेंस साफ देख सकते हैं। तो ये थी इस गोल गुंबज ऑफ बीजापुर के बारे में इंफॉर्मेशन। हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स की वीडियोस लेके आएंगे। उसके लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।